हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि रमज़ान के बाद संडे ब्लॉगिंग फिर से शुरू करूंगा, तो बीच वाला संडे बहुत ही मौसम ख़राब था यहाँ पे, तो इसके वजह से वो मिस हो गया। तो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी से संडे ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गया है और बहुत जल्द एक ट्रिप भी प्लान कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगा। तो 1.5 मंथ्स के गैप के बाद अभी हम आ गए हैं एक बहुत ही यूनिक प्लेस जो आज ही ओपनिंग हुआ है हमारे डिब्रूगढ़ असम में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जो अभी डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ टाउन ब्रह्मपुत्र से अटैच है, जो महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, मैं और अच्छा से आप लोगों को दिखाऊँगा। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, रिवर टूरिज़्म को बहुत प्रमोट कर रही है। उसी वजह से जो MV गंगा विलास रिवर क्रूज था, जो बनारस से स्टार्ट होके कोलकाता होके बे ऑफ बंगाल होके बांग्लादेश होके जो लास्ट स्टॉपेज था उसका डिब्रूगढ़, और अभी हमारे यहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में रिवर टूरिज़्म का भी एक कोर्स स्टार्ट किया गया है। तो अभी रिवर टूरिज़्म को यहाँ में प्रमोट किया जा रहा है, तो उसी चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे एक भैया है जिन्होंने एक हाउस बोट का ओपनिंग किया है। तो मैं उनसे आपको मिलाऊंगा और पूरा हाउस बोट का आपको टूर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले उसके बारे में कुछ आपको बोलना चाहता हूँ कि यूनिकनेस उसका क्या है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र है, ये हाउस बोट ऐसा नहीं है कि वो स्टैंड बाय पे रहेगी, वो घूमते रहेगी। आप यहाँ पे आके, यहाँ में रूम्स भी है, रेस्टोरेंट भी है, छोटे मोटे बर्थडे पार्टीज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, मतलब सुंदर एम्बियंस है, मैं आपको दिखाऊँगा। और उन्होंने एक यूनिक चीज़ क्या बताया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि वो कोशिश करेंगे कि देखिए ब्रह्मपुत्र के बीच में छोटे मोटे टापूज बहुत, मतलब आइलैंड्स वगैरह बहुत है, और वहाँ में बहुत यूनिक ट्राइब्स रहते हैं आज के डेट में भी। तो ये ट्राई करेंगे कि गेस्ट को वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ में नाइट स्टे करके उनका जो कल्चर है, उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो दिखाएंगे, एक एडवेंचर, मतलब वहाँ नाइट स्टे करके उनका वे ऑफ लिविंग, उनके कल्चर को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकेंगे, फिर सुबह वापस। तो ऐसा उनका प्लान है। तो चलिए मैं उनसे मिलाता हूँ, आपको नंबर वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो में भी मिल जाएगा, और मैं पूरा जो रूम्स वगैरह है वो भी आपको चलिए मैं दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, तो गाइज ये देखिए, ये है। सबसे पहले तो मैं आपको ब्रह्मपुत्र दिखाता हूँ। अभी ब्रह्मपुत्र का वाटर लेवल बहुत ही बढ़ रहा है, आप ये देखिए गाइस, ये देखिए पानी का लेवल कितना बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र का। ये देखिए चारों तरफ पानी और एक साउंड, और साउंड सुनाने के लिए मैं पास नहीं जा सकता, मुझे पानी से फोबिया है। तो ये देखिए गाइस, ये है रिवर ब्रह्मपुत्र, ये देखिए गाइस पूरा पानी, और वो दूर में आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे टापूस वगैरह है, फिर पानी, फिर कुछ टापूस मिलते हैं जहाँ पे, मतलब उसको आप आइलैंड नहीं कह सकते हैं, एक छोटे छोटे, मतलब आप बोल सकते हैं कि 15-20-25-30 आदमी का एक ट्राइब वहाँ पे आज भी रहते हैं। तो उनका वे ऑफ लिविंग को एक्सपीरियंस अगर हम लोग कर पाएंगे एक हाउस बोट में एक नाइट स्पेंड करके वहाँ पर, कितना एडवेंचरस होगा वो। तो उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया है भैया ने, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो अभी मैं बहुत जल्द फैमिली लेके या दोस्तों के साथ भी यहाँ पे आऊँगा। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र, और वो रहा अपना हाउस बोट, चलिए अब उसका तोड़ करते हैं। आज उसका ओपनिंग हुआ है, तो गाइस चलिए पहले मैं आपको साइड व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये है उसका साइड व्यू। अभी आज ओपनिंग ही हुआ है, तो बहुत सारा अभी यहाँ पे फिनिशिंग काम बाकी है, तो बस आज ओपनिंग कर दिया उन्होंने। उनका कहना यह है कि जब तक ऐसा प्रोजेक्ट जब तक ओपनिंग नहीं करेंगे, तब तक आप मतलब क्या क्या काम आपको और करना है, क्या क्या फिनिशिंग टच देना है, आपको मालूम नहीं चलता है, क्योंकि ये कोई मतलब एक जगह रुका हुआ तो रेस्टोरेंट है नहीं, तो इसीलिए उन्होंने आज ओपनिंग कर दिया है। हमें अभी बहुत काम बाकी है, ये देखिए गाइस,
है साइड व्यू, अभी चलिए उसके अंदर चलते हैं। बहुत ही विंड ब्लास्ट है यहाँ पे, वो तो रहता ही है, ब्रह्मपुत्र के बगल में विंड ब्लास्ट, और इसी वजह से डिब्रूगढ़ का टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है, हवा में एक मॉइस्चर रहता है। मेरे रास्ते में कुत्ता बैठा हुआ है, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। ये देखिए गाइस, चलिए चलते हैं। ये बेसमेंट है, इसमें रूम्स वगैरह है। ये एक हॉल जैसा है, यहाँ में बैठ सकते हैं आप लोग। अभी चलिए आपको रूम्स दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ऐसा आपको रूम्स मिलेगा, और व्यू देखिए आप। ये बेडरूम है, और यहाँ से ये व्यू देखिए गाइस। वॉशरूम है, मतलब वॉशरूम अटैच है बेड के साथ। ये चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह है, पावर बैकअप भी आपको मिलेगा। और क्या ही नजारा होगा सुबह उठ के चाय का कप हाथ में लेके, और ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ये देखिए बेडरूम्स, ऐसा उनके पास तीन रूम्स है। तो आपको, आप अगर प्लान करते हैं तो पहले आपको बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तीन ही रूम है, तो अवेलेबिलिटी का भी बात है। हर रूम्स का नाम है, महाबाहु, दिब्रू, ये देखिए। तो ये कॉरिडोर है, ठीक है। ये देखिए, ये लॉबी है और वहाँ पे रूम्स हैं। चलिए आप ऊपर चलते हैं। बहुत ही विंड ब्लास्ट का अगर नॉइज़ आ रहा होगा आप लोगों को, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ में बहुत ही ज़्यादा विंड ब्लास्ट है। ये टाइटेनिक वाला जैसा एक बनाया है, आप लोग यहाँ में भी कुछ कुछ ट्राई कर सकते हैं नदी के बीच में। ये देखिए, ये टाइटेनिक पॉइंट एक है। में रेस्टोरेंट है, अभी हम लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ओनर से भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है कि रूम रेंट वगैरह क्या होगा क्या नहीं। बस मैंने उनसे बात किया तो उनका प्लान्स वगैरह मुझे मालूम चला कि, और मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट उनका, कि जैसे सपोज डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होगा बाय ब्रह्मपुत्र रिवर थ्रू सी, मतलब रिवर रूट वो काजीरंगा तक जाएगा। आप काजीरंगा घूम लिया, फिर वापस डिब्रूगढ़ आ गए, बीच में जितने भी टापूस वगैरह है, आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड वगैरह है, जिसमें कुछ यूनिक ट्राइब अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, उनके सारे नाइट स्टे किया, उनके कल्चर को देखा, तो कितना एक्साइटिंग और एडवेंचरस है, और कितना यूनिक है ये कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे उनका बहुत अच्छा लगा, तो लुकिंग फॉरवर्ड। तो हम लोग सब ये ब्लेसिंग देते हैं उनको कि उनका ये अच्छा से फ्लोरिश करे। और ये देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पर आप लोग ये देख लीजिए, बोट नेम टीफाओ, इसका बारे में भी उनसे जानेंगे कि टीफाओ मतलब क्या। ओनर इफ्तिकार जलील, और कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए 9678988905, ये उनका नंबर हो गया है। ये देखिए, तो गाइज अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं। ये देखिए, ये रेस्टोरेंट का व्यू है,
ये लाइफ जैकेट वगैरह भी है क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है, ब्रह्मपुत्र इज़ वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल। तो ये देखिए ये रेस्टोरेंट का व्यू है इस तरफ, तो अभी जो बोट स्टैंड बाई में है इसलिए इधर घर वगैरह दिखाई दे रहा है। जब ये बोट रनिंग में होगा तो क्या व्यू होगा, 360 डिग्री ब्रह्मपुत्र का व्यू मिलेगा आपको, और बीच में ये रेस्टोरेंट में आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे टेबल्स वगैरह लगा हुआ है, ये देखिए, और वो रहा ब्रह्मपुत्र का व्यू। तो हम लोग ट्राई करेंगे भैया से एक बार बात करने के लिए, ओनर से, कि उनका प्लान्स वगैरह क्या है। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए बोट का नाम है टीफाओ। इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उस भैया से पूछना पड़ेगा। मैं भी ये डिब्रूगढ़ का बहुत पुराना नाम है शायद टीफाओ, जहाँ तक मैंने सुना है, तो उनसे पूछेंगे। अभी वो आज थोड़ा बिजी है, गेस्ट वगैरह आ रहे हैं। तो इनका भी एक चैनल है, आप बता दीजिए आपका चैनल का नाम। हाँ तो ये उनका चैनल का नाम है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा संदीप्ता विद्यार्थी। अभी आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेयरिंग रूम है, देखिए तो चलिए नीचे चलते हैं, भैया से एक बार बात करके हम लोग उधर ही से निकल जाएंगे। तो ये पूरा रेस्टोरेंट व्यू है गाइस। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो अभी तो मैंने संडे ब्लॉगिंग फिर से शुरू कर दिया है, तो नेक्स्ट संडे फिर कोई नया जगह मैं आपसे मिलूंगा। तो मेरे चैनल के तो कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम है कि हर संडे कुछ नया आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, छोटा बड़ा, लोकल, इम्पोर्टेड, कुछ भी, पर नया आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ हर संडे। तो ओनर का नंबर, फोन नंबर और सारे लिंक्स वगैरह मैं दे दूँगा। तो ये देखिए बुकिंग कर सकते हैं, छोटे मोटे बर्थडे पार्टीज वगैरह भी, किड्स बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ पे आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ में अभी जितने भी गेस्ट आए हुए हैं सबके किड्स बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो एक बार भैया से मिलते हैं। और अच्छा आप लोग गाइस, संदीप्ता आप लोगों से कुछ बोलना चाहती है? आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर देना। हाँ ओके, चलो गाइस संदीप्ता विद्यार्थी के चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में मेरा भी चैनल को। आजकल के बच्चे उन्होंने भी एक चैनल खोल लिया है अपना। तो थोड़ा भैया से बात करते हैं कुछ। यह है हमारे, आपका बोट का नाम टीफाओ। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब नाम का टीफाओ? नाम है ये एंशियंट डिब्रूगढ़ का नाम है टीफाओ, तो इसीलिए मैंने इसका नाम टीफाओ रखा है। ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर टीफाओ। अच्छा तो डिब्रूगढ़ का नाम एंशियंट में वो टीफाओ बोला गया था बिफोर अहोम इन्वेशन। अच्छा, जब अहोम इन्वेंट किया रहा छुटिया डायनेस्टी था तब टीफाओ। तो वो मुझे मिला नाम, अच्छा लगा। नहीं है
प्लान सब ये कर सकता है किसी का अगर बर्थडे पार्टी। हाँ रूम्स है मेरा तो टैरिफ वगैरह आपने अभी डिसाइड किया? अभी तक डिसाइड नहीं किया है, जस्ट एक ओपनिंग है, इनॉग्रेशन है, अभी कुछ दिन बाद में करूँगा, बुकिंग लूँगा मैं, अगर किसी को बुकिंग चाहिए तो मैं बुकिंग लूँगा। तो आपका ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम लोग प्रे करते हैं और आपको ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू, अच्छा से आपका ये हो, इन फ्यूचर हम भी आएंगे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। मोस्ट वेलकम। और आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर किसी को कुछ बुकिंग कराना है। हाँ जी हाँ जी, दे सकते हैं, कर सकते हैं। ये जो बोर्ड में नंबर है वही नंबर है? हाँ वही मेरा नंबर है। और मेरा ये जो बोट है, अगर किसी को दूर जाना है वहाँ भी जा सकता है, जैसे माजुली हो, काजीरंगा हो, अभी गंगा विलास इतना दूर से 50 कितना दिन, लेकिन अभी हम लोग कुछ लोग हैं जो हम लोगों का जो लोग है इतना टाइम नहीं दे सकता है, जैसे 2-4 दिन के लिए कोई टाइम दे सकता है, वैसे बुकिंग कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट आपको। ओके थैंक यू, हम लोग आशा करते हैं कि आपका ये अच्छे से हो। ओके और इन फ्यूचर आपके बहुत सारे बोर्ड ऐसे हो। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाइस मीटिंग। या सो गाइस, ये बात मुझे भी मालूम नहीं था, अभी भैया से मालूम चला है कि आप इसको बुक भी कर सकते हैं, जैसे आपका कोई अगर क्लोज सर्कल है, फ्रेंड्स वगैरह है, या आपके फैमिली में पूरे फैमिली मेंबर्स वगैरह है, आप लोग इसको बुक करके कि चलिए हम लोग, जैसे हम लोग गाड़ी बुक करते हैं ट्रैवल एजेंसी से कि चलिए हम लोग को यहाँ से डिब्रूगढ़ हम लोग आए हैं, डिब्रूगढ़ से हम लोग को काजीरंगा जाना है, काजीरंगा में हम लोग गाड़ी लेके चले गए बुक करके, फिर उसमें काजीरंगा में घूम लिया, तो इसमें डिफरेंस ये होगा, ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है कि डिफरेंस इसमें यही होगा कि आपको आप एक हाउस बोट बुक करके आप डिब्रूगढ़ से भाया रिवर ब्रह्मपुत्र आप काजीरंगा जा सकते हैं, माजुली जा सकते हैं, वहाँ जाके घूम के फिर आपको वो डिब्रूगढ़ वापस या आपको जहाँ ड्रॉप होना है वहाँ वो ड्रॉप कर देगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो गाइस मुझे तो बहुत ही पसंद आया, आप लोग इसको वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, भैया को हेल्प कीजिए, भैया ने जो कॉन्सेप्ट हाथ में लिया है, जो जैसे कि उन्होंने कहा कि लग्जरी भले ही आपको यहाँ पे 19 या 20 मिलेगा, लेकिन एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट बहुत है। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ अपने फैमिली और फ्रेंड्स को लेके, तो आप लोग भी आइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि भैया को भी हेल्प हो जाए और मेरे चैनल को भी हेल्प हो जाए। तो चलो गाइस, सी यू नेक्स्ट संडे विथ वन न्यू वीडियो एंड ए न्यू प्लेस, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए। और मुझे और एक बात आप लोगों से शेयर करना है, लेकिन आज टाइम बहुत शॉर्ट है, मुझे एक शादी अटेंड करने जाना है, वो मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगा, जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात मुझे आप लोगों से शेयर करना है, तो मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो बाय बाय गाइस, सी यू, बाय बाय।